साहब सलाम दोस्तों, एक कहावत है कि पेड़ चाहे कितना भी बड़ा, कितना भी फलदार हो जाए, लेकिन वो अपनी कभी जड़ें नहीं छोड़ता। इस वक्तव्य को सच करते हुए हम आ पहुँचे हैं अपने सीधी ज़िले से 15 किलोमीटर दूर ग्राम चौफाल में। बचपन से ही हम यहाँ पले बढ़े, यहाँ का माहौल देखा, गाँव में घूमे। हमें एक चीज़ आज तक याद है, यहाँ के पेड़े। उसी पेड़े को आज हम फेमस करने हम यहाँ पहुँचे हैं। आइए कुछ बात करते हैं इनसे। सबसे पहले अपना अपन परिचय दे, सबका बताई हमारे साथी इनका कि अपना क्या नाम है। मेरा नाम उदयराज सिंह चंदेल है। तो उदयराज सिंह जी, बताई कि कै साल अपना का यहाँ या चौपाल ग्राम में हुई है। हमारे पूर्वज बसिंदे हैं जी। होटल हमारा करीब 50 साल वो पार है जी। जी, तो अपना का ये होटल खोले मतलब कितना टाइम, कब से अपना पेड़ा जो है तो बनाव शुरू करें? पेड़ा बनाव पिताजी से चालू करें जी। जी, सर्वप्रथम पहले होटल अपने आए, पिताजी हमारे साथ ही होती नहीं भरी तब होटल खोले जाएंगे। अपना के पेड़ा के क्या खासियत है लोगों का बताई कि काहे अपना के पेड़ा इतना जाना माना है, काहे लोग दूर दूर से पेड़ा का खाए आते हैं, काहे ऐसा खास है? खास कुछ नहीं, शुद्ध आदमी दूध लेते हैं, दूध से चलवावत है, शक्कर कम से कम डाला जाता है। मतलब इनका उदयराज सिंह जी कहा कहे कि शक्कर जो है तो वो नाम मात्र के ना के बराबर रहा थी, यहीं से आज इतना फेमस है। आज कम से कम नहीं तो 20-25 साल अपना का आया हो गया पेड़ा बनावत। नहीं, हमारा 50 साल पर दुकान है। बताइए 50 साल पेड़ा बनावत हो चुका है उदयराज सिंह जी का। पेड़ा के अलावा का अपना बेची थी बताइए? पेड़ा, समोसा, चाय, नमकीन। तो डेली के अपना एक अच्छा खासा चला था धंधा। हाँ, भगवान की दया ही सब कुछ अच्छा है। हाँ, सब अच्छा। क्या रेट दी थी अपना पेड़ा? 400 रुपया किलो। 400 रुपया किलो। अपना कहाँ पची अब दिखाई थी कि पेड़ा बनत कैसा है, चलिए। तो अब अपन पंचन का दिखाई थे कि पेड़ा जो उन्हें इतना जो शुद्ध क्वालिटी के उदयराज सिंह जी ने पेड़ा बनावा थे तो बनत कैसन के। भैया से बात करे थे, भैया मिस्त्री जिनका कहा थे उस्ताद आई नहीं बताई भैया बताई बताई ले जाइना आई हेड मिस्त्री से बात करी थे आई ना। अब हम पचे बात करें मिस्त्री जी से, पूछी थे कि कैसा इनका पेड़ा में जो क्वालिटी है तो का इनके हाथों के का जादू है ऐसा कि वो पेड़ा इतना स्वादिष्ट बना थे, बताई मिस्त्री जी। सर, इसको चला चला के उसको औटा डालते हैं, औटाने के बाद इसको शक्कर डाल के मिला के उसको फिर ऐसा सुने ना पचे कि पेड़ा में अपना की शक्कर जो है तो वो नाम मात्र के या फिर ना के बराबर रहा थी, यहीं से अलग टेस्ट बना थे जी। तो शक्कर अपना मतलब पहले से कबू नहीं डालें कि ऐसा सोचें कि शक्कर ना डाला जाए? नहीं, पहले से ही सर जी। तो अपना का कैसा यहाँ पेड़ा बनावत हो गया है? 25 साल से कम नहीं होगा। बताइए अपना पंचे देख ही ला है 25 साल से मिस्त्री जी यहाँ पेड़ा बनावत आई और आज तक सेम क्वालिटी सेम टेस्ट अपना पाओ कहाँ 19-20 नहीं रहा है, ठीक है? जो मैं मतलब डेली जो मैं बना था तो मेरे रहा वही क्वालिटी जी। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा दोस्तों कि इस आदर्श ग्राम चौफाल में हम आए हैं, जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी पर है ये, सीधी से शेड्यूल मार्ग पे सीधी से 14 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये पड़ता है। तो आप जब कभी भी यहाँ से निकलें इस उदयराज सिंह जी के होटल में ज़रूर रुकें, पेड़े का आनंद लें। तो साथियों, देखा आपने कैसे ये स्वादिष्ट पेड़े तैयार किए जाते हैं और करीबन 50 वर्षों से आज तक इन पेड़ों का स्वाद सेम रहा है, सेम क्वालिटी। साथियों, गालिब का एक शेर है कि लोग पूछते हैं कि गालिब कौन था, अब कोई ये बताए कि हम बतलाएं क्या। बस इसी तर्ज पर चौफाल के जो पेड़ हैं किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। तो बस एक बार आपसे ये अनुरोध है कि कभी भी आप शहडोल से सीधी रोड पर जब भी आएँ, चौफाल गांव में खड़े हों और उदयराज सिंह की होटल में ये स्वादिष्ट पेड़ों का आनंद लें। दोस्तों, आशा करता हूं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई जगह किसी नई जानकारी के साथ। मैं अभिषेक पांडे, साथी अमिताभ मिश्रा, MP लाइव न्यूज़, साहब सलाम।